आज दही हंडी का त्यौहार है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कितनी खुशी हो रही है और कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं इस त्यौहार को? बहुत ही अच्छे से काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं और शुक्रगुजार हैं प्रताप फाउंडेशन के, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया और हमें ये खुशी का मौका दिया कि हम उसको इंजॉय कर पा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है अमित सिंह ठाकुर बाहुबली का, मीरा रोड में ये माने जाते हैं बाहुबली के नाम से, जिन्होंने हमें इन्वाइट किया। शुक्रगुजार अमित सिंह ठाकुर और मीरा की पूरी जनता। तो आप एक एक्टर हैं और हमेशा आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकालना कितना मुश्किल होता है? एक ही बात बोल सकता हूँ, राधे राधे। अभी आपके अपने टाइम निकालना तो बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम नहीं निकालेंगे तो हमारे अपने कैसे? जी हाँ बिल्कुल, ये सही बात है, बहुत अच्छा त्यौहार है, आप लोग यहाँ पर आए हैं और इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन जानना चाहेंगे कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। अभी आप पिछले दिनों आपकी 2-3 फिल्में रिलीज हुई, आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं बताइए? तो आने वाले कुछ फिल्म्स हैं जिसका मैं नाम डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज वो वेब सीरीज़ है जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पे, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर हुआ था, अब मैं उसके बारे में फिलहाल कुछ बता नहीं सकता हूँ, उसके लिए मैं फाइनल हुआ हूँ। इसके अलावा और 2 फिल्में आने वाली हैं और एक सीरियल आने वाला रिटर्न ऑफ स्कूल डेज, जिसका मैं एक बहुत ही अच्छा किरदार कर रहा हूँ, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा छरकी मान रहे हैं। दही हंडी का त्यौहार है और कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं? दही हंडी का त्यौहार मेरा हमेशा से बड़ा फेवरेट रहा है और मैं बहुत सेलिब्रेट कर रहा हूँ और यहाँ पर भी आकर उसी सेलिब्रेशन को बांटना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा उत्सव का माहौल है, तो किस तरीके से जुड़े हैं आप इस फाउंडेशन के साथ? आप एक एक्टर हैं तो आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं? रिसेंट प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं और इससे पहले मैंने सावधान और कुछ अभी पाइपलाइन में जिनके बारे में बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी आप देखेंगे इस शुरू करते हैं। सर आज दही हंडी का त्यौहार है, क्या कहना चाहेंगे, कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं इस त्यौहार को? तरीके से जुड़े हैं आप इस फाउंडेशन के साथ? आज तो मैंने मुझे इन्वाइट किया हुआ है और ये इनका प्रॉपर है कि हमें इन्वाइट किया हुआ है और ये सब ये यहाँ पे आए हैं, तो उसमें भी अच्छा सा व्यवहार हुआ, तभी इन्जॉय किया। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक एक्टर हैं, तो एक एक्टर के रूप में कितना मुश्किल होता है ऐसे त्योहारों में समय निकाल के यहाँ पे अपना समय दो? बिजी शेड्यूल होता है और आपको बताना चाहूँगा एक्टर के साथ साथ मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, अभी मैंने एक फिल्म बनाई है और वो रिलीजिंग में बाद में डिस्कशन हुई, बहुत फिल्म बनी हुई है, तो ये होता है कि हाँ ऐसे टाइम निकालना ही पड़ता है। अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, एज अ प्रोड्यूसर एज एन एक्टर क्या कर रहे हैं? हमारी एक आने वाली फिल्म है POV पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें कि मैं एज एन एक्टर मैंने काम किया हुआ है और उस फिल्म का प्रोड्यूसर तो हुई। मुझे यहाँ पे आके बहुत ही खुशी हो रही है और मैं हर साल यहाँ से जुड़ना चाहूँगा, जैसे हमारे भाई हरीश है, हमारे अमित भाई है, हम सब मिल के इस उत्सव को और ही अच्छा बनाएंगे, हमारी कोशिश रहेगी, मैं हर साल आना चाहूँगा। सर आप एक एक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। जी मेरा रिसेंट अभी जो रिलीज हुआ था वो मेरी वेब सीरीज थी हॉल्ट बालाजी की, सेम डबल डी इन दोस्त की डायरेक्टेड थी, अभी उसका सीजन 2
सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ प्रताप फाउंडेशन का और मेरे भैया बाहुबली का। हम जो भी लड़ते हैं और पूरे के पूरे मुझे बहुत प्यार अपने आप भाईचारा बढ़ता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, कट करते हैं। जरा त्यौहार का दिन है, अपने दर्शकों से क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से मैं यही मैसेज करना चाहूँगा, जिस तरह हम बचपन में रहते थे, कभी हमने किसी धर्म के लिए किसी मजहब के लिए एक साथ खेलते थे, एक साथ सारे थे, आज फिर से वैसे ही बन। बचपन सबसे अच्छा दिन है, उसको वैसे ही रखूँ। अब कितने ही बड़े हो जाओ, आपके अंदर मतभेद आ गया तो आप सब कुछ खत्म हो जाओ। बचपन की तरह ही रहो, साफ दिल के साथ। बहुत मजा आएगा। मैनेज कर लेते हैं, मैं बात